नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। अब इन ट्रेनों में यात्रियों को मिलेगा अच्छा खाना। दुनिया के 200 बेहतरीन एयरपोर्ट में शामिल हुआ बिहार का ये हवाई अड्डा। जसप्रीत बुमराह का बड़ा रिकॉर्ड तोड़ने के करीब युजवेंद्र चहल। बिहार के 6 IPS अधिकारियों को मिला प्रमोशन। मैट्रिक की परीक्षा में पहले ही दिन पकड़े गए 100 मुन्ना भाई। अब चले बढ़ते हैं बिहार की शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। अब इन ट्रेनों में यात्रियों को मिलेगा अच्छा खाना। बात ट्रेन में लंबे सफर की हो तो यात्रियों को भी खाने की चिंता जरूर होती है। ऐसे में अगर आपको पहले से ही पता हो कि ट्रेन में मिलने वाला खाना बेहद ही अच्छा होने वाला है तो आपका सफर करने का मन और ज्यादा रोमांचित हो जाएगा। और अब ऐसा होने भी वाला है। IRCTC की तरफ से जारी किए गए जानकारी के अनुसार आने वाले दिनों में राजधानी, तेजस और दुरंतो एक्सप्रेस के यात्रियों को अच्छा खाना मिलने वाला है। बिहार के राजेंद्र नगर टर्मिनल पर स्थित एकमात्र बेस किचन के अलावा देश भर के 46 बेस किचन में बनाए जाने वाले खाने पीने की चीजों की रॉ मटेरियल समेत बनाए गए भोजन की लैब टेस्टिंग होने वाली है। इसको लेकर राजधानी एक्सप्रेस, तेजस एक्सप्रेस और दुरंतो के यात्रियों को बेहतर खाना उपलब्ध करवाने के लिए IRCTC सभी बेस किचन में फूड सेफ्टी सुपरवाइजर की नियुक्ति करेगा। दुनिया के 200 बेहतरीन एयरपोर्ट में शामिल हुआ बिहार का ये हवाई अड्डा। जब भी बात बिहार के हवाई अड्डे की होगी तो आप ये कभी नहीं सोच पाएंगे कि शायद आने वाले दिनों में इसकी गिनती दुनिया के 200 बेहतरीन एयरपोर्ट में की जाएगी। लेकिन अब ऐसा सच में हुआ है। पटना स्थित लोकनायक जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट विश्व के 200 चुनिंदा एयरपोर्ट में शामिल हो गया है। इस संबंध में एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा सर्वे करवाया गया था। सर्वे में यात्रियों से एयरपोर्ट पर दी जा रही सुविधाओं पर उनकी राय ली गई। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि बिहार में फिलहाल 3 एयरपोर्ट सामान्य परिवहन सेवाओं के लिए ऑपरेशनल है। इनमें पटना एयरपोर्ट पर सुविधाओं का लगातार विस्तार किया जा रहा है तो गया एयरपोर्ट पर भी सुधार की प्रक्रिया लगातार जारी है। दरभंगा एयरपोर्ट पर हाल ही में यात्री सेवाएं शुरू की गई है। बिहार के 6 IPS अधिकारियों को मिला प्रमोशन। बीते दिन बिहार के 6 IPS अधिकारियों को प्रमोट करने का काम किया गया। गृह विभाग के आरक्षी शाखा ने IPS अधिकारियों की प्रोन्नति की अधिसूचना जारी कर दी है। इस दौरान प्रमोशन के साथ साथ इनके वेतन संरचना में भी वृद्धि कर दी गई है। हालांकि फिलहाल इनके वर्तमान पद स्थापना इससे प्रभावित नहीं होने वाली है, यानी कि अभी ये सभी अधिकारी अपने वर्तमान स्थान पर ही बने रहने वाले हैं। आपको बता दें कि बिहार सरकार के जिन IPS अधिकारियों को प्रमोशन दिया गया है वो सभी 2013 बैच के हैं। IPS अधिकारी हैं डी ओम अमाकेश, गौरव बंगला, जुगुन्नाथ रेड्डी, IPS अधिकारी मनीष, उपेंद्र नाथ शर्मा और राकेश कुमार। प्राथमिक शिक्षकों के नियुक्ति पत्र के लिए जारी दिशा निर्देश को लेकर भ्रम की स्थिति। बिहार में प्राथमिक शिक्षक अभ्यर्थियों को चयन के बाद अब नियुक्ति पत्र लेने के लिए 23 फरवरी तक का बस इंतजार करना है, क्योंकि हाल ही में शिक्षा विभाग की तरफ से इसी तय तारीख को नियुक्ति पत्र बांटे जाने का ऐलान किया गया है। हालांकि इन सबके बीच जो खबर निकल करके सामने आई है उसके अनुसार छात्रों के बीच में शपथ पत्र और फिटनेस सर्टिफिकेट को लेकर अभ्यर्थियों के बीच में भ्रम की स्थिति है। इसको लेकर प्राथमिक शिक्षा निदेशक रवि प्रकाश ने बीते दिन सोशल मीडिया के माध्यम से सभी अभ्यर्थियों से अपील की है कि वो अपनी परेशानी उन्हें ट्वीट करके बता सकते हैं, जिसके बाद शिक्षा विभाग की तरफ से एक स्पष्ट दिशा निर्देश भी जारी किया जाएगा। वहीं इस दौरान उन्होंने दरभंगा का जिक्र करते हुए कहा कि अभ्यर्थियों की परेशानी को देखते हुए शिक्षा विभाग जल्द ही स्पष्ट दिशा निर्देश जारी करेगा। मैट्रिक की परीक्षा में पहले ही दिन पकड़े गए 100 मुन्ना भाई। बिहार बोर्ड के इंटर की परीक्षा के बाद अब मैट्रिक की परीक्षा का आयोजन बीते दिन से शुरू हो गया है, जहां पहले तो गणित के पेपर के वायरल होने की खबर दिन भर मीडिया का ध्यान खींचती दिखी, वहीं उसके बाद परीक्षा के दौरान 100 मुन्ना भाइयों को भी पकड़ा गया है। इसके साथ ही इस दौरान 20 फर्जी परीक्षार्थियों को भी पकड़ा गया जो उम्र छिपाकर परीक्षा देने पहुंचे थे। फोटो मिलान में भी कई छात्र फर्जी पाए गए। वहीं जिलावार पकड़े गए मुन्ना भाइयों की बात करें तो सबसे ज्यादा सारण में 28 और वैशाली में 15 परीक्षार्थी निष्कासित किए गए। वहीं सबसे ज्यादा फर्जी छात्र सुपौल जिले से पकड़े गए थे। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि 2 पालियों में ली गई परीक्षा के लिए प्रदेश भर में 1525 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। परीक्षा में 16,48,894 परीक्षार्थियों को शामिल होना था। बारिश को लेकर जारी हुआ पूर्वानुमान। अभी बिहार वासियों को ठंड से निजात मिली भी नहीं है कि बारिश को लेकर पूर्वानुमान लगातार जारी किए जा रहे हैं। मौसम विभाग पटना की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार बिहार में उत्तर पछुआ हवा का प्रवाह बना हुआ है। हवा की गति 8 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसके प्रभाव से प्रदेश का मौसम शुष्क बना हुआ है। सुबह शाम और रात को पड़ रही ठंड की वजह भी पछुआ हवा ही है। मौसम विभाग की माने तो पछुआ हवा ही आगे चलकर तापमान में तेजी की वजह भी बन सकती है। मौसम वैज्ञानिकों का साफ कहना है कि 3 दिन बाद राज्य के कुछ हिस्सों में बारिश के आसार हैं।
इसके बाद तापमान एक बार फिर से गिर सकती है और सर्दी बढ़ सकती है। बिहार में हल्की ठंड का असर मार्च के पहले हफ्ते तक भी बना रह सकता है। बिहार में बड़ी संख्या में दुकानदारों का रद्द हो सकता है फूड लाइसेंस। आने वाले दिन कई दुकानदारों के लिए मुश्किल भरे हो सकते हैं, क्योंकि ऐसी संभावनाएं जताई जा रही हैं कि बिहार में जल्द ही कई दुकानदारों का फूड लाइसेंस रद्द होने वाला है। हालांकि राहत की बात यह है कि अगर दुकानदार चाहते हैं कि उनका फूड लाइसेंस स्थगित ना हो तो उनके मानक के अनुरूप संशोधन करने का विकल्प उन्हें दिया जा रहा है। ऐसे में खाद्य सामग्रियों का निर्माण करने वाले ऐसे प्रतिष्ठान जिन्होंने 2021 के पहले खाद्य संरक्षा विभाग से लाइसेंस लिया है, उन्हें 31 मार्च के पहले मानक के अनुरूप संशोधन कराना होगा। ऐसा नहीं करने वाले का लाइसेंस 31 मार्च के बाद स्वतः रद्द माना जाएगा और इसका नवीनीकरण भी नहीं हो सकेगा। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इस बाबत नोटिस भी जारी कर दिया है। पुलिस भवन निगम के कार्यपालक अभियंता के ठिकानों पर निगरानी का छापा। इन दिनों बिहार में एक के बाद एक धन कुबेर की जानकारी निकल कर केस सामने आ रही है। हर दिन के साथ ही सरकार के नाक के नीचे खेलने वालों के नाम का खुलासा होता रहा है। इसी कड़ी में आज सुबह सुबह पुलिस भवन निगम के कार्यपालक अभियंता के ठिकानों पर निगरानी ने छापेमारी की। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार कार्यरत कार्यपालक अभियंता अरुण कुमार सिंह के ठिकानों पर एसयूवी की टीम छापेमारी के लिए पहुंची थी। इस दौरान ही उनके ठिकानों से जांच टीम ने लाखों के गहने सहित संपत्ति से जुड़े कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किए हैं। बिहार सरकार की विशेष सतर्कता इकाई ने 17 फरवरी 2022 को राजगीर में पुलिस भवन निगम में पदस्थापित कार्यपालन यंत्री श्री अरुण कुमार सिंह के विरुद्ध आय से अधिक संपत्ति रखने का मामला दर्ज किया था। बिहार में बदलेगा इंजीनियरिंग कॉलेज का सिलेबस। बिहार में अब लगभग सभी सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में रिसर्च गतिविधियां बढ़ने वाली है। इंजीनियरिंग कॉलेज के पुराने सिलेबस में बदलाव किया गया है। इसमें अब गुणवत्तापूर्ण शिक्षण के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट और नवाचार पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा। बीते दिन 18वीं शैक्षणिक परिषद की बैठक में बदले सिलेबस को मंजूरी दे दी गई है। वर्तमान में केवल 39 सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज के सिलेबस में बदलाव किए गए हैं। निजी कॉलेज के सिलेबस में बदलाव को लेकर अगली बैठक में चर्चा होगी। यानी कि अब बदलाव में सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पढ़ाई होगी। नहीं धुलेंगे माननीयों के कपड़े। बिहार के मुख्यमंत्री, सांसदों, विधायकों और पार्षदों के कपड़ों की चमक अब जल्द ही खत्म होने वाली है, क्योंकि पटना में धोबियों ने ऐलान कर दिया है कि आगामी 1 मार्च से किसी भी माननीयों के कपड़ों को नहीं धोएंगे। पटना के धोबियों की मांग है कि सभी धोबी घाटों का जीर्णोद्धार किया जाए। अगर जल्द ही इस काम को शुरू नहीं किया गया तो सरकार के विरोध में सड़क पर उतरा जाएगा। न्यू कैपिटल धोबी घाट संघ के रामविलास प्रसाद लंबे समय से धोबी घाट के जीर्णोद्धार की मांग को लेकर मुखर है। वो कहते हैं कि पटना नगर निगम की 25वीं सशक्त समिति के 24 अगस्त 2018 को हुई बैठक में निर्णय किया गया था कि पटना के 6 धोबी घाटों का जीर्णोद्धार कराया जाएगा। जानकारों की माने तो इस संबंध में बिहार के मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री ने आदेश भी दे दिया है, लेकिन बिहार का दुर्भाग्य है कि आज तक इनके आदेश का पालन नहीं किया गया। 33% आरक्षण के लिए छिड़ जाएगा आंदोलन। बिहार में अति पिछड़ा वर्ग को साधने के लिए राजनीतिक दल लगातार सियासत करते नजर आते रहे हैं। हालांकि चुनावी समीकरण को देखें तो ज्यादातर अति पिछड़ा वोट जदयू के पक्ष में है और मुकेश सहनी जदयू के सामने ही अब मुश्किल खड़ी करने को लेकर तैयार हैं। वीआईपी अध्यक्ष मुकेश सहनी ने इसको लेकर बीते दिन साफ संकेत भी दे दिए हैं, जिसके तहत उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि बिहार में तमाम जिलों के लिए रथ रवाना कर दिया गया है। इस रथ के जरिए मुकेश सहनी अति पिछड़ों का समर्थन जुटाने वाले हैं और 50 लाख समर्थन को हासिल करने वाले हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी साफ कहा है कि कर्पूरी ठाकुर जी की पुण्यतिथि पर हमने को याद किया है, उनके बताए गए रास्ते पर चलकर संघर्ष करने का हमने निर्णय लिया है। इसके लिए हमने 5 रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पूरे बिहार में घूम घूम कर अति पिछड़ा वर्ग समर्थन जुटाएंगे। 50 लाख समर्थन पत्र जुटाने का लक्ष्य वीआईपी की तरफ से रखा गया है। एमएलसी चुनाव के लिए कांग्रेस ने दिए 8 प्रत्याशियों के नाम। बिहार में अभी तक भले ही एमएलसी चुनाव की कोई आधिकारिक सूचना जारी नहीं की गई हो, लेकिन एमएलसी चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी तैयारियों को तेज कर दिया है। इसी कड़ी में जदयू, भाजपा और राजद के बाद कांग्रेस ने बीते दिन एमएलसी चुनाव के लिए 8 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है। सबसे खास बात यह है कि 8 प्रत्याशियों की सूची में एक महिला भी है। प्रदेश कांग्रेस ने राजद के इनकार के बाद अपने बूते सभी 24 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि एमएलसी चुनाव के लिए पार्टी को 50 से अधिक आवेदन मिले, जिनमें से जिलावार 3-3 और किसी सीट के लिए 4-4 प्रत्याशियों के नाम का पैनल केंद्रीय कमेटी को भेजा गया था, जिन पर मंथन के बाद ही पार्टी ने पहली सूची जारी कर दी है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल भी गया तो क्या उखाड़ लेंगे नीतीश। बिहार को भले ही विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग बीते कई दिनों से हो रही हो, लेकिन इस मांग को लेकर राजनीति जरूर जोर शोर से देखने को मिल रही है। जहां एक तरफ जदयू और विपक्ष दोनों ही बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलवाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन लोजपा रामविलास को इस मांग पर संदेह है। चिराग पासवान की तरफ से बीते दिन जारी किए गए बयान को सुने तो उन्होंने मीडिया से बातचीत के द्वारा यह साफ कहा कि केंद्र सरकार के द्वारा विकास को लेकर राशि बिहार सरकार को दी जा रही है।
उसके बावजूद भी बिहार में विकास नहीं हो रहा। ऐसे में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा तो नीतीश कुमार क्या ही उखाड़ लेंगे। नीतीश कुमार भाजपा को ब्लैकमेल कर रहे हैं। वो दिल्ली आंख दिखाने नहीं, भाजपा को आंख दिखाने जाते हैं। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा तो भी नीतीश कुमार यहाँ कुछ नहीं कर पाएंगे। जसप्रीत बुमराह का बड़ा रिकॉर्ड तोड़ने के करीब यजुवेंद्र चहल का इंटरनेशनल करियर पिछले कुछ समय से काफी उतार चढ़ाव भरा रहा। लिमिटेड ओवर फॉर्मेट में वो अंदर बाहर होते रहे हैं, लेकिन एक बार फिर वो अपनी पुरानी लय में नजर आने वाले हैं। वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज में शानदार प्रदर्शन के बाद चहल ने 3 मैचों की T20 इंटरनेशनल सीरीज के दूसरे मैच में भी अच्छी गेंदबाजी की थी। चहल के पास दूसरे T20 इंटरनेशनल मैच में जसप्रीत बुमराह का एक बड़ा रिकॉर्ड तोड़ने का मौका होगा। भारत की तरफ से सबसे ज्यादा T20 इंटरनेशनल विकेट लेने के मामले में वो जसप्रीत बुमराह के बाद दूसरे नंबर पर हैं। बुमराह के खाते में 66 विकेट है। वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे T20 इंटरनेशनल मैच में अगर चहल 2 विकेट ले लेते हैं तो वो बुमराह को पीछे छोड़ देंगे। भारत में थमने लगा है कोरोना का कहर, बिहार में भी जारी है गिरावट। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 25,920 नए मामले सामने आए हैं। ये कल की तुलना में 4,837 कम है। वहीं कोरोना संक्रमित 541 मरीजों की जान भी इस दौरान चली गई है। कोरोना संक्रमित 66,254 मरीज ठीक होकर घर वापस लौटे हैं। वर्तमान में देश में एक्टिव केसों की संख्या 2,92,092 रह गई है। वहीं डेली पॉजिटिविटी रेट की बात करें तो यह 2.07% रह गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुक्रवार सुबह यह जानकारी प्रदान की है। मंत्रालय के अनुसार भारत में अब तक 174,64,99,461 लोगों को कोरोना वैक्सीन की खुराक दी जा चुकी है। वहीं बात बिहार की करें तो बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 125 मामलों की पुष्टि हुई, जिसके बाद बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 876 पर पहुंच गई है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है उमाशंकर गुप्ता, मिथुन कुमार पंडित, ओमकार सिंह, सौरभ मिश्रा, परवेज आलम, विकास कुमार, मनीषा कुमारी, जितेंद्र ठाकुर, विवेक सिन्हा, कृष्णा कुमार, संजय कुमार। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार बिहार में रोजगार विकसित करने के लिए बिहार सरकार को क्या करना चाहिए? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।